देख सकते हो उधर आंख बनी है, इसका मतलब इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड। द ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट्स, और भाई कितना गंदा ऑफ रोड है यार ये, शायद एयरपोर्ट गिर गया भाई का। हाउ द जोश? हाय सर। सारे बोल लो जोर से, बोल लो तो क्या हाल है भाइयों के। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर ट्यूनिंग विद एन अपाचे 200 एंड पता नहीं बिकॉज लास्ट मोमेंट पे कुछ लोग मना कर देते हैं, तो बोला तो था दूसरे बाइकर्स ने भी, पर लास्ट मोमेंट पे अब क्या बोल सकते हैं किसी को। बट एट प्रेजेंट हमारे पास अभी अपाचे 200 है अवेलेबल। सो स्टिल पांडे जी की बाइक ठीक नहीं हुई है, तो पांडे जी को हमको पिकअप करना है अभी बिकॉज वह एज अ पीले नहीं जाएंगे आज भी हमारे साथ। सो आज हम जा रहे हैं गल्लू वाटरफॉल। तो वाटरफॉल सुन के ये मत सोचना कि सिर्फ वाटरफॉल है, ऑफ रोड ट्रैक भी है थोड़ा सा, तो मज़ा आएगा यार। सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो ठोकी दो। पंडित जी आ गए नए कपड़े पहन के। आज तो हेलमेट भी लेकर आया है। देखा अमीरों के हेलमेट ऐसे होते हैं, 8000 का हेलमेट भाई साहब। तेरा परफ्यूम बढ़ गया यार, आज मेरे को जफ्फी वाले तेरे में मल मल के खुद को लगा लेता हूँ, आजा। सो गाइस अब वेट करेंगे बाकियों का जो जो आएंगे। सो गाइज वी आर ऑल सेट टू गो, कि हमने हमारी बाइक फिर से बेच दी है। सो हमने अब खरीदी है डोमिनार बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी डोमिनार। सो हमको कंपनी मिल गई है अच्छी, अराउंड 5 राइडर्स हैं हमारे साथ। सो आई होप मज़ा आए। मौसम हो रहा है सेक्सी, पर बस एक चीज़ जो तंग कर रही हो ये ट्रैफिक। ट्रैफिक को चीरते हुए हमारी I-15 V3। Her shit on the beat. सो गाइज फ्रॉम हेयर द ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट्स, और भाई कितना गंदा ऑफ रोड है यार ये, बाइक ऐसे वॉबल हो रही है खतरनाक ही, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, पत्थर ही पत्थर है भाई साहब। तो जैसे जैसे अब आगे जा रहे वैसे वैसे रोड भी नैरो होता जा रहा है, खड़ा ही होना पड़ेगा ब्रो, लग रही है बिल्कुल सीट पे। ओ भाई पिछला टायर ऐसे स्किड हो रहा है ना बिकॉज सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हुई है, तो बहुत सारी मड है यहाँ पे, कीचड़ चिक्कड़ में कन्फ्यूज़ नहीं होगा, मड ही ठीक है यार। ऑफ रोड अब टफ होगा बिकॉज बड़े बड़े पत्थर अब आ रहे हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे बाइक फंसने का डर भी है।
क्या हुआ? सगाई इस टाइम इन भैया के रिस्ट पे दर्द हो रही थी, डोमिनार चला के भी बुरा नहीं मानना ठीक है, हाँ दर्द हो रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। A few moments later. So guys, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। भाई और जितना हो सके ना इस साइड रखना बाइक, ठीक है? स्टिक खा के उस साइड का निकल जा रहा है। Shit on the beat. As per indications, हमको लेफ्ट साइड चलना चाहिए बिकॉज यहाँ पे स्कीड होती है, तो राइट साइड हम गिर ना जाएं। पर मैं बेशरम फिर से राइट साइड ही चला हुआ हूँ, फिर से राइट साइड यार भाई। तो गीले गीले पत्थर आ गए हैं एज यू कैन सी, और यहाँ पे बाइक को बहुत ख़तरनाक स्कीड हो रही है। गीले गीले पत्थर से छुटकारा मिला तो सूखी सूखी बजरी आ गई, इस पे तो और स्किड होती है बाइक। सब यहाँ पे बाइक्स लगा के आगे का ट्रैक। तो फिलहाल हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो बाइक्स हमने इधर खड़ी की हैं और अब यहाँ से ट्रैक है। कितना ट्रैक है? 2 किलोमीटर। कितना? 45 मिनट्स का रास्ता। 45 मिनट्स का रास्ता, तो यहाँ से अब ऑन फुट चलेंगे और वहाँ उस साइड जाएंगे। कहाँ पे? वहाँ से नीचे जो है वो मिनी इजराइल बोलते हैं उस जगह का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, 100-200 करोड़ साल चलने के बाद अभी तक आधी जर्नी भी कंप्लीट नहीं हुई है। कितनी गहरी खाई है। तो ये भाई बोल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना है तो फेंक दो तेरे को। तो आपने आज तक अली बाबा की गुफा का सिर्फ सुना ही होगा, आज आपको दिखाएंगे भी। हम बोलेंगे आप खुल जा सिम सिम, और खुल गई, और अली बाबा हवा जो चली उसने सुनी ना मेरी बात, वो कहने लगी जगा मैं सारी सारी रात, वो कहने लगी कभी ना छोड़ो मेरा साथ, कभी ना आना मेरे ख्वाब में, जो हफ्ता खफा था मेरा पन्ना सफा था, मैं तो चाहता वफा था मुझे बनना, दवा पर बैठा खिड़की पे तुझसे नाराज, पर फिर चली। तो गाइस इस टाइम हो गई है ट्रेजेडी, केटीएम वाले भाई का एयरपोर्ट निकल गया, शायद फ्लो से आगे चला गया या फिर उधर ही रुका हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं अब ढूंढने की। दिखा दिखा दिखा, मिल गया। तो ये मिल गया। ये पानी आता है पहाड़ों से तो बिल्कुल ठंडा होता है, और इस ठंडे पानी में हम आपके लिए जाएंगे अभी। सो लाइक कर देना भाई वीडियो को। As you can see कि टेम्परेचर कितना कम है, और इसको देखो ये तैर रहा है भाई। कैसा लग रहा है आपको? फुल पावर, फुल पावर, फुल पावर। हमको लेनी पड़ेगी यहाँ से विदा, तो निकल चले यहाँ से। सो बाय बाय लोकेशन, फिर से आएंगे जरूर। So guys, we are heading back to our location. और हमको एक कंपनी मिली थी, अब शायद हमको छोड़ दे गए। बाय, नहीं नहीं नहीं, आएगा हमारे साथ ही। गाइज ये हमारे साथ हमको छोड़ने तक आया और पांडे जी का दोस्त बन गए। पांडे जी क्या नाम रख रहे इसका आप? क्या रखे? ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो, क्योंकि ब्राउन है ये।
सभी से प्यार चाहे तुम्हें से सबके राहे सभी से प्यार चाहे ठंडी हवा। सो गाइस दैट वाज आवर ट्रिप, तो अब निकलने की तैयारी है, चलो। हमें तो है तुम्हारे घर, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो ना लड़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नीचे का दिखाने का कोई बनता नहीं है मतलब, अब बिकॉज इसी रास्ते से हम आए थे। सो दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है आपको ये एडवेंचर वगैरह ऑफ रोडिंग हमारी R15 पे, तो यार सब्सक्राइब तो कर दो। नहीं तो पांडे जी ने पिछली वीडियो में जैसे बोला है कि माता रानी पाप चलाएगी, वैसे पाप चला देगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। Bye-bye and take care.